सीधी बस हादसे के बाद जारी आरटीओ की चेकिंग से परेशान होकर बड़वानी और खरगोन के बस ऑपरेटरों ने बंद का आह्वान किया। इस बंद के बाद दोनों ही जगह के यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश के कई जिलों में आरटीओ की ओर से की जा रही बस चेकिंग के खिलाफ बस ऑपरेटरों ने बंद का आह्वान किया है। बस ऑपरेटरों की माने तो आरटीओ बस चेकिंग के नाम पर मनमानी करने के साथ ही बस चालकों को परेशान कर रहा है, जिसके विरोध में बंद का आयोजन किया गया है। बसों की हड़ताल वो सीधी में जो हादसा हुआ है उसकर लेकर प्रशासन ने जो है चेकिंग के नाम पर एक अवैध वसूली का काम चालू करा है। जो गाड़ी में किसी कोई कारण नहीं है उस कारण भी ज़बरदस्ती गाड़ियों को खड़ी करा रहे हैं, मतलब बार बार चेकिंग हो रही है, उसके नाम पे लूटपाट हो रही है। इस चक्कर में हमारा वो प्रशासन से निवेदन, जो गाड़ियाँ सही हो उनको सही है तो फिर बदले भी नहीं है, और जो गाड़ी गलत हो हम उसके लिए भी नहीं कि यार चेकिंग ना करो, वो भी नहीं हम चाहते हैं, लेकिन जो चेकिंग करो लेकिन जिसके पास सारी चीज़ें कंप्लीट हो उसको लेकर भी गाड़ियाँ खड़ी करा रहे हैं। कल खरगोन में कम से कम 10 से 15 गाड़ियाँ खड़ी करा ली है, तो इसको लेकर हमारा विरोध है सरकार से कि भाई जो वाजिब हो उसको देखो, अगर नहीं वाजिब हो तो हम भी नहीं चाहेंगे कि यार तुम वो करो। और आए दिन डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, इस चक्कर में भी हम आज 51 रुपये से लीटर से ऊपर हो गया डीजल, ना प्रशासन हमारा किराया बढ़ा रही है ना किसी प्रकार की। अभी एक सांकेतिक एक दिन की हड़ताल रखी हमने, यदि नहीं मानेगी सरकार तो और इस प्रकार चेकिंग के लिए मतलब प्रशासन किसी प्रकार का कदम नहीं उठाएगी तो फिर हम आगामी यह हड़ताल को जारी रखेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा चल रही है इस विषय को लेकर, वो फिर पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ हड़ताल करेंगे। प्रशासन मनमानी कर रहा है, ये करवा रहा है, जो भी समझे अपन भाई, हमारी गाड़ियाँ जो कंप्लीट है तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, जो अनकम्प्लीट हो हम भी नहीं उसके लिए कहेंगे कि यार आप उनको मत जाने दो। देखिए पूरे जिले में जो हड़ताल हुई है, वास्तव में बस मालिकों को कोई इच्छा नहीं होती बस बंद करने की, और जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, सतना की घटना जिस तरह की हुई है, सतना घटना के कारण हमको भी दुख है। बस मालिक कोई भी नहीं चाहता किसी यात्री का नुकसान हो या बस का नुकसान हो, पर जो घटना हुई वो दुखद है, और दुखद घटना के कारण यहाँ की जो आरटीओ है उसके द्वारा जिस तरह आतंक का और भय का माहौल पैदा किया गया, और जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जो कोरोना काल के बाद में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सेंट्रल की गाइडलाइन है कि किसी भी गाड़ी को इस कारण परेशान नहीं किया जाएगा, उस पर दंड करना दंड करें, पर गाड़ी जब्त नहीं कर सकते, जबकि 25 गाड़ियां जब्त हैं, और जब्त होने के कारण यात्री परेशान हुआ, बस मालिक परेशान हुआ, और हम एक संताप में जी रहे हैं, हमारे बस मालिक सब सभी और जो स्टाफ है वो पूरी तरह त्रस्त है कि वो कहाँ से जाए, कैसे जाए, कहाँ आरटीओ मिल जाए, कैसे पकड़ ली, कब पकड़ा, किस प्रकार कौन सा दंड करी, कोई आधार नहीं, कोई बेस नहीं, और बिना सिर पैर के कार्रवाई करते हुए, और बात नहीं करना, किसी प्रकार का सुनना नहीं, जिससे त्रस्त हो गया। आखिर बस मालिक क्या करते हैं, बस मालिकों को कोई गाड़ी खड़ी करने के लिए थोड़ी टैक्स भर रहे हैं, महीने भर का टैक्स भरते हैं, और टैक्स भरने 90-92 रुपये का डीजल का भाव है, इसके बाद गाड़ियाँ चला रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारा धंधा है, हमको धंधा करना है, पर इस तरह धंधा त्रास लेकर नहीं जी सकते। हम समाज के सेवा के लिए काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा मुनाफा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर इस समय कोई गाड़ी, मेरे को लगता है कोई भी गाड़ी इस समय मुनाफा नहीं कमा रही है, फिर भी धंधा इसलिए करेंगे, हमारा धंधा है, लाभ हानि धंधे में होती है, पर त्रास नहीं भोग सकते हम, जिस सेवा को दे रहे हैं उसके कारण जिस तरह की त्रास हमारा स्टाफ भोग रहा है, जिस तरह सवारी के साथ नाइंसाफी हो रही है, और जिस तरह हम बस मालिकों को घाटा उठाना पड़ रहा है, और बिना किसी कारण के गाड़ी अंदर है, कोई सुनने को तैयार नहीं, बात करने की तैयारी, और जिस तरह बस मालिकों ने जाकर और आरटीओ कार्यालय में जाकर उनसे बात करने की कोशिश की तो वो बात करने को तैयार नहीं, भगा दिया बस मालिकों को ऐसा नालायक और जैसा जलील समझाओ जैसा इस तरह की व्यवहार की, उनके व्यवहार से दुखी हो गए हम सब, और कल सब बस मालिकों को एकाएक सबको आना हुआ और सबने तय किया कि बसें बंद रहेंगी, और मुझे लगता है कि जब तक ये इस मामले में निर्णय नहीं हो जाता कि वे बसों का हमारी जो कार्रवाई हो रही है, अनैतिक कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई के मामले में निर्णय नहीं होता, तब तक बसें चालू करने कोई कारण ही नहीं बनता। 26 बसें अभी अंदर हैं, 26 बसें, हम प्रशासन बात करेंगे, ऊपर प्रदेश स्तर पर मंत्री से बात की हमने, वो भी अपनी पूरी जानकारी उन्होंने निकाली है और वो भी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं। कल कलेक्टर महोदय कल रहेंगी वर्किंग में, हम कल कलेक्टर महोदय से बात करेंगे, पूरे जेन्युइन मांग रखेंगे कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, और हम प्रशासन का साथ देना चाहते हैं, समाज का साथ देना चाहते हैं, समाज के हम भी अंग हैं और आखिर समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रशासन और प्रदेश सरकार ये सब हमारी बातें सुनेंगी और निश्चित रूप से कोई हल निकलेगा, और तभी जारी रहेगी, पूरी तरह जारी रहेगी। वहीं बस ऑपरेटरों की हड़ताल के चलते यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बड़वानी, खरगोन।